जब हम कभी शिक्षा लेने के लिए स्कूल में जाते हैं तो हमें घर से ये बता करके भेजा जाता है कि स्कूल हमारा मंदिर होता है और वहाँ के अध्यापक जो हमें पढ़ा रहे होते हैं वो हमारे भगवान होते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के प्रोफेसर भगवान नहीं बन पाए, जो कि छात्रों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। उस बुरा व्यवहार को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ये सब लोग, ये पूरा वीडियो पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंड करता है। पूरा मामला ये है कि छात्र BHU को खुलवाने के लिए लगभग 6-7 दिनों से धरने में बैठे हुए हैं। वो वही खुली छत के नीचे सोते हैं और वहीं पर अपनी मांगों को हमेशा रखते हैं। तो ये उनका स्थान लगभग VC लॉज के बाहर है, जहाँ पर आप जा करके उनसे मिल सकते हैं और उनके धरने में शामिल हो सकते हैं, अपना एक योगदान उनको भी दे सकते हैं। कि सोने की बात करें और तापमान की बात करें तो BHU का तापमान आम जिंदगी से, कैंपस के बाहर के लोगों से 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो आपको बता दें कि BHU की ठंड और भी कड़ाकेदार होती है कंपेयर टू बाहरी दुनिया से। यही एंट्री होती है हमारे चीफ प्रॉक्टर की, जो कि हमारे कॉमर्स फैकल्टी के डीन भी हैं और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, चीफ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जी हाँ, ये वही चीफ प्रॉक्टर थे जब CO और मजिस्ट्रेट आए हुए थे, तो इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें छात्रों से की, पूरा माइक लेकर के अच्छे से बात किया कि हम, आप अपनी जो भी समस्याएं हैं आप लिख करके दीजिए, हम क्या बात कर सकते हैं। और हमारे CO साहब भी बहुत अच्छे इंसान निकले। मजिस्ट्रेट साहब से मैं ठीक से बात नहीं कर पाया, लेकिन CO साहब से मैंने जब थोड़ी सी बात की, उनके एक पीछे कांस्टेबल खड़े थे तिवारी जी, उनसे मैंने बात की, तो पता चला कि CO साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो भी एक ऐसे ही छात्र रह चुके हैं, शायद BHU से ही पढ़े हुए हैं, फिलॉसफी उनका सब्जेक्ट रहा है। उन्होंने बोला कि हम लोग समझ सकते हैं आपके हॉस्टल की और पढ़ाई की क्या व्यवस्था चल रही है इसमें यूनिवर्सिटी में, आपकी जो भी मांगे होंगी हम लोग एक साथ चल के वाइस चांसलर के पास, कुछ लोग चल कर बातें करेंगे और उनसे सारा समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। जब उन्होंने ये राय अपनी कंफर्म करने के लिए चीफ प्रॉक्टर से आदेश मांगा, तो चीफ प्रॉक्टर ने वही पुराना जवाब दिया कि आप अपनी मांगे लिख लीजिए, 4-5 लोगों को मैं फिर से मिलवा देता हूँ, फिर से ले लीजिए, फिर से BHU ये बोल दी, इस पर आप कभी भरोसा ना करें। और भरोसा, एक भरोसा और जो हमने अपने CEO और मजिस्ट्रेट पे किया था कि वो हमारे घटनास्थल पे आए, धरनास्थल पे आए, और उनके जाने के लगभग 5-7 घंटे बाद वहाँ पे मारापीटी हुई, वहाँ का वीडियो कुछ वायरल हुआ, मैं आपके सामने ये दिखा देता हूँ। इस वीडियो में लगभग ये है कि यहाँ पे चीफ डॉक्टर रात को आते हैं, पूरा बैरिगेड हटा दिया जाता है, लड़के बोल रहे हैं कि सर हम लोग सोए हुए हैं, आप हमसे बोलते कि कोई बड़ा आदमी आया है तो हम रास्ता क्लियर कराते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ रास्ता क्लियर कराने से, कि BHU में ढेर सारे रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं कि आप खो जाएंगे। गेट से अगर आपको मंदिर जाना है, मंदिर से आता है, मंदिर भी खुली हुई दोस्तों, इसको अभी बात करेंगे, इसकी चर्चा फिर से करेंगे। अगर हमको मंदिर जाना है तो मंदिर जाने के लिए कम से कम मेरे पास 4 से 5 रास्ते हैं जिस रास्तों से मैं मंदिर जा सकता हूँ। अगर एक रास्ता खुदाई कर दी गई है तो 5 रास्तों से हम जा सकते हैं। फिर यहाँ का बैरिगेड हटा करके छात्रों पर डंडा चलवाना, मजिस्ट्रेट एंड CO साहब बताइए कहाँ तक उचित है। अगर आप ये प्रश्न अब हमारे BHU प्रशासन से पूछते हैं और हमको उसका जवाब देते हैं, काम दिखता है, करेंगे तभी दिखेगा, बात करेंगे तभी सामने आएगी। अगर हमसे बात करेंगे कि हाँ इसलिए डंडा चलवाया गया, तो मैं चूँकि छात्र आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे। और आपने अगर इस चीज़ों को संज्ञान में नहीं लिया है तो भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने कोई कटाक्ष नहीं बोलना चाहता, बहुत तहे दिल से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि धन्यवाद इसलिए आप हमारे धरना स्थल पर आए, हमसे थोड़ी सी बातें की, हमारी मांगों को लेकर के अलग अलग खड़े होकर के थोड़ा सा सिंपैथी जताई, अपना एक महत्वपूर्ण समय हमें दिया। छात्रों की मांगे क्या क्या हैं, छात्र क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? छात्र यही चाहते हैं कि जब सब कुछ खोल दिया गया है तो हमारा एकेडमिक, हमारा हॉस्टल, हमारी क्लासेस, हमारी ऑनलाइन सुविधाएँ, सारी चीज़ें खोल दी जाएँ ताकि हम उसका फिर से लाभ उठा सकें, ताकि हम पढ़ सकें। दिन पे दिन वीडियो वायरल होता है कि JNU में वहाँ पे लैब में इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई थी जो कि सड़ गई, जो सैंपल्स रखे हुए थे रिसर्च स्कॉलर्स के। तो ऐसी घटनाएं हर जगह आ रही होंगी, बस कोई कवर करने वाला, कोई इसको दिखाने वाला नहीं। तो मैं इन्हीं सी चीज़ों पे चर्चा कर रहा हूँ कि ऐसी शिकायतें पहले आने से पहले ही सारी चीज़ें ठीक कर दी जाएँ, तो कहाँ तक गलत है ये बात। टोटल 40,000 छात्र यहाँ BHU में पढ़ते हैं। 40,000 छात्रों से लगभग मैं कुछ तर्क मांगूंगा, आप अपना जरूर राय दें, हाँ या ना, इस लाइन पे आपका क्या राय है आप हमें ज़रूर दें, क्योंकि आप
मैं भी आपके जैसा ही एक छात्र हूँ, इस चीज़ों को संज्ञानता में ले रहा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी प्रशासन आपके साथ क्या करेगी। एक दो साल बाद आप छात्र नहीं रहोगे तो आपकी वैल्यू जीरो है बीएचयू की नज़र में। आप यहाँ कुछ यहाँ पर अगर खड़े भी हो तो आप एक छात्र की वजह से खड़े हो, नहीं तो आप अंदर नहीं खड़े रह सकते। तो चुप्पी तोड़ो, चीज़ों को बाहर निकाला जाए, इसकी वजह से ये तर्क आपके सामने रखे जा रहे हैं। पहला तर्क, तर्क नंबर वन ये है कि लॉकडाउन के डे वन से सारी यातायात संचालन यहाँ बंद कर दिया गया। लगभग यूनिवर्सिटी भी बहुत दिनों तक बंद रही। और यातायात संचालन की बात करें, जो ऑटो रिक्शा, बैटरी वाला ऑटो और बाहरी जो लोग घूमने आते थे यहाँ बीएचयू में, वो सारी सुविधाएं यहाँ बंद थी, अब खोल दी गई हैं। यातायात सुविधाएं किसके लिए खोली गई हैं अगर यहाँ पे छात्र नहीं हैं? यातायात सुविधाएं प्रोफेसर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि ऑफिस खुला हुआ है, प्रोफेसर आ रहे हैं ऑफिस में, तो कितना ऑफिस खुला हुआ है ये आपके सामने है, आप ये देखिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर्स अपने गाड़ी से आते हैं, एक छोटा सा एम्प्लॉय भी है उसके पास एक बाइक होती है टूटी सी, लेकिन वो अपने ही साधन से आता है। तो ये यातायात सुविधाएं किसके लिए? अगर हॉस्टल और यूनिवर्सिटी से आप छात्रों को खदेड़ के भगा चुके हो तो यातायात सुविधाएं आपने किसके लिए स्टार्ट की हैं? ये जवाब दर्शक दें और प्लीज़ चीफ प्रॉक्टर भी दें कि ये क्यों किया गया है। तर्क आपके सामने ये है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी क्लब और यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस खुले हुए हैं। कई लोगों को नहीं पता होगा बीएचयू में शादियां भी होती हैं। तो बीएचयू में शादियां कहां पे होती हैं? यूनिवर्सिटी क्लब और फैकल्टी गेस्ट हाउस जैसे जगह पे शादियां कराई जाती हैं, जहां पे लोग लॉन बुक करते हैं और ढेर सारे लोग आते हैं। ढेर सारे लोग मतलब 300 से 400 लोग, 200 लोग, 500 लोग, ऐसे लोग आते हैं एक शादी अटेंड करने के लिए। जब हम शादी अटेंड कर सकते हैं, शादी वाली सुविधाएँ यहाँ पर खुल सकती हैं, तो क्लासेस क्यों नहीं खुल सकती हैं? शादी कराई जा सकती है, पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। तीसरा तर्क वर्ल्ड वाइड है थोड़ा सा। क्या हमारी सरकार बहरी है, अंधी है? जिसको शराब दिखा शिक्षा नहीं, जिसको गरीबी दिख रहा है गरीब नहीं, जिसको डॉक्टर दिख रहा है लेकिन उसकी सुविधाएं नहीं, जिसको चुनाव दिख रहा है लेकिन क्लासेस नहीं? तो इन तर्क पे भी आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि ये तर्क मेरा कहां तक उचित है। जहां तक बात करें मास गैदरिंग की, मास गैदरिंग बिहार इलेक्शन का आपने देखा होगा, बेखूबी लोगों ने एकदम बढ़िया से अच्छे से कवर किया है न्यूज़ चैनलों में। आप देख सकते हैं वहाँ पे रैलियाँ निकाली गई, हेलीकॉप्टर उतरे, ट्रेन चली, क्या क्या हुआ आपने देखा होगा। जब बिहार में इलेक्शन हो सकता है तो क्या बिहार में शिक्षा संबंधी सुविधाएं नहीं खुल सकती? एक रैली में कहाँ 10,000 से 1,00,000 लोग जाते हैं और एक क्लास में कहाँ मात्र 26 लोग बैठते हैं। क्या रैली हो सकती है, शिक्षाएँ नहीं हो सकती, पढ़ाई नहीं हो सकती? पांचवा तर्क ये है कि जब वीसी हमारे वाइस चांसलर सर और हमारे चीफ प्रॉक्टर सर किसी भी पार्टी या किसी भी समारोह में जाते हैं बिना मास्क के टहलते हैं, तो वो क्या एक अपने घर के सामने बैठे हुए छात्रों से 5 मिनट आके बात नहीं कर सकते? क्या उनको उनसे कोरोना का खतरा है? तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ जहाँ पर ये पार्टी में जाते हैं, मतलब जब ये अपने छात्रों से नहीं प्यार करते तो आपसे कौन सा दिखावटी प्यार कर रहे हैं, कृपया आप इनसे जरूर पूछें। छठवां तर्क ये है कि बीएचयू अब पूरा खुल गया है। छात्रों के साथ बीएचयू पूरा किसके लिए खुल गया है? भगवान के लिए खुल गया है, सफाई के लिए खुल गया है, ऑफिस के लिए खुल गया है, प्रोफेसर के लिए खुल गया है, बस कुछ लोगों के लिए नहीं खुला। वो है छात्र, मतलब विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बनाई जाती है, पढ़ाई छोड़ करके सब कुछ हो रहा है लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो रही है। हमको तो अपने माँ बाप का एक तर्क याद आ गया। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में बोला करते थे कि पढ़ाई छोड़ के बेटा तुम सब कुछ कर रहे हो। तो वही मैं आज शायद बीएचयू को अप्लाई कर सकता हूँ कि बीएचयू पढ़ाई छोड़ करके सब कुछ कर रही है। तो सातवां तर्क दोस्तों आप बताइएगा, अगर आप बीएचयू के छात्र रहे होंगे या फिर होंगे, अगर आप दूर से आते हैं, अगर आप बिहार से, झारखंड से, आसाम से, दिल्ली से, मेघालय से, जहाँ से भी आप आते हैं, कश्मीर से आते हैं, आप अपनी टीसी मार्कशीट निकलवाने आते हैं बीएचयू का, आप मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, एक अभिषेक जी हैं जो हमसे बात की और बताए कि बीएचयू की एक ऑफिशियल वर्क कितने दिनों में होती है। अगर आप अपना टीसी मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये निकलवाने आते हैं तो आपको लगभग 4 से 5 दिन 6 दिन, 1 हफ्ता लगभग देना होगा। अगर वो बेचारा सरल छात्र हो, सीधा साधा हो, तो शायद उसको 1 महीना भी दौड़ा देंगे, तो इतने अंतराल में वो कहाँ रहेगा। आखिरी बात करेंगे दो लोगों की,
जो एक छात्र हैं और बीएचयू में दुकान चलाते हैं, दो लोगों की बात ये करेंगे। ये आखिरी तर्क है दोस्तों, दर्शकों आखिरी तर्क है और ज़रूर बताइएगा। मंदिर खुल गया है, लॉकडाउन में मंदिर बंद था, मंदिर खुल गया है, लोग हजार लोग रोज आते हैं मत्था टेकने, दर्शन करने, हम भी जाते होंगे कभी मत्था टेकने। जब मंदिर खुल गया है तो बाहर वाले दुकानें क्यों नहीं खुली हैं? जब मंदिर खुल गया है तो क्लासेस क्यों नहीं खुली हैं? जब मंदिर खुल गया है तो शिक्षाएं सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रही हैं? क्या हमारे फैकल्टी में कोई दर्शन करने आता है? क्या हमारे क्लासेस में रोज कोई दर्शन करने आता है? जीरो, कोई नहीं आता। लेकिन मंदिर में लोग हजार लोग जाते हैं, क्या वहां पे संक्रमण का खतरा नहीं है? लाठी भी चला, पूरा खतरा बीएचयू प्रशासन को अपने छात्रों से ही है, जिस छात्र के लिए वो मोटी अच्छी खासी मोटी रकम गवर्नमेंट से लेती है, यूजीसी से लेती है, क्या उन्हीं छात्रों की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकती? और यूजीसी क्या वो पैसा थमाते समय ये नहीं बोल सकती, जिस हाथ से तुम पैसे की जिम्मेदारी ले रहे हो उस हिसाब से तुम अपने छात्रों की भी जिम्मेदारी लो? क्या यूजीसी इतनी लापरवाह है? क्या यूजीसी को ये, जब हमको ये पता है कि हमको कितनी कठिनाई हो रही है विश्वविद्यालय बंद होने की वजह से, पूरी रूटीन की धज्जियाँ उड़ गई हैं, आदमी मतलब एकदम मतलब निहत्ता हो गया है, सुबह सो के उठ के क्या कर रहा है, एक ही रूटीन में हमेशा लगा हुआ है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि यूजीसी समझे, जब हम एक ग्रेजुएशन में रह करके एक छात्र हैं, जब हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं तो पढ़े लिखे यूजीसी के चेयरमैन तो हम मतलब हमारे ही पूर्व वाइस चांसलर डीपी सिंह हैं। डीपी सिंह बहुत अच्छे एक